डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट में डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस तो कॉम्प्लेक्सेस की जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्सेस के स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट यानी कि स्थायी स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए कई सारी विधियाँ होती हैंगी परंतु उनमें से जो मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो दो मेथड्स हैं एक तो जॉब्स मेथड है और एक बेरन्स मेथड है अब जॉब मेथड जो हुआ है वो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा हम इसको ज्ञात करते हैं और बेर मेथड जो है वो पीएच मीटर के द्वारा हम इसको इसके द्वारा हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को ज्ञात करते हैं तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है जॉब्स मेथड तो जॉब्स मेथड क्या है ये जो मेथड होती है कॉम्प्लेक्सेस का कम्पोजिशन ज्ञात करने में की जाती है यदि किसी कॉम्प्लेक्स के संगठन एवं स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को यह जो विधि है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है और इसे जॉब्स ने 1929 में दिया था तो ये जॉब मेथड कैसे नाम पड़ा क्योंकि इसको इस मेथड को जॉब ने 1929 में दिया था और ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है स्टेबिलिटी कांस्टेंट को ज्ञात करने की कॉम्प्लेक्सेस के तो ये विधि जो होती है उन सॉल्यूशन में लागू की जाती है जिनमें केवल एक ही प्रकार का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा हो मेटिलाइन एवं लीगिन जो होते ना जो लिगेंड के यु यूविलियनों को अलग अलग अनुपात में मिलाकर हम पहले क्या बनाते हैं सॉल्यूशंस बनाते हैं जिनका टोटल आइटम आयतन तो वॉल्यूम क्या होता है सामान होना चाहिए तो इन दिस मेथड ओनली कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर चेंज एंड द रेशियो रिमेन कांस्टेंट मींस मेटल और लिगेंट का जो रेशियो तो क्या होगा कॉन्सटेंट होगा परंतु उनका, उनका जो है वो क्या होगा जो रेशियो कॉन्स्टेंट होगा उनका जो है वो कंपोजिशन क्या होगा वेरी करेगा अब इसमें या हम देखें तो मेटल और लीगन के हमने क्या किए कि अलग अलग जो है वो टेन सेट्स बनाए तो जैसे सॉल्यूशन नंबर हमने टेन सेट बनाए तो सॉल्यूशन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब पहले वाले जो सेट में हम डाल कर रहे हैं धातु आयन क्या के विलन का आयतन आथा, आयतन वॉल्यूम ऑफ मेटल आयन तो मेटल आयन का भी हम पहले सॉल्यूशन बनाएंगे और लीगन का भी हम पहले क्या बनाएंगे सॉल्यूशंस बनाएंगे इनके अलग अलग सॉल्यूशंस बनाएंगे और फिर हम इसको निम्न रेशों में हम इसको बना ज्ञात करेंगे तो पहला जो है फर्स्ट सेट में हमने देखा कि मेटल ज़ीरो है और लीगन कितना है टेन है सेकेंड सेट में मेटल वन है लीगन कितना है नाइन एम है फिर थर्ड सेट में मेटल जो है मेटल का जो वॉल्यूम है वो कितना है टू एम है और लिगेंड का कितना है आठ है और जो है फोर्थ सेट में हम देखें तो जो मेटल है वो तीन है और लीगेंट का कितना है सेवन इस प्रकार से फिफ्थ सेट में हम देखें मेटल का जो सॉल्यूशन है वो फाइव है और फोर है और लीगेंट का जो सॉल्यूशन है वो सिक्स है इस प्रकार से हम 10 सॉल्यूशन तक मेटल और लीगेंट के क्या बनाएंगे 10 सेट्स के सॉल्यूशन बना लेंगे तो इससे हम देखें कि लीगेंट की कंसंट्रेशन लीगेंट की कंसंट्रेशन सी एल जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी एल और मेटल की कंसनट्रेशन इनका योग तो क्या है कांस्टेंट है ठीक है योग तो क्या है कॉन्सटेंट है लेकिन इनका सी एल इज़ टू सी एम ये क्या कर रहा है वेरी कर रहा है सी एल इज़ टू सी एम जैसे हम पहले वाले सेट में देखें मेटल तो कितना है ज़ीरो है पर लिगियन कितना है इसमें टेन एम एल तो, तो, तो टोटल वॉल्यूम तो कितना है टेन एम है पर उनको रे, रेशो क्या हो गया उसका जीरो टू टेन तो इसका वॉल्यूम कितना होगा टेन हो गया तो इस प्रकार के इनके जो है वो रेशो क्या है अलग अलग होंगे पर वॉल्यूम क्या रहेगा कॉन्सटेंट रहेगा तो सी एल प्लस सी एम इजिक्वल टू क्या है सी तो यहाँ सी एक कॉन्स्टेंट है और एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से प्रत्येक सॉल्यूशन की हम क्या करेंगे जो हमने दस सेट बनाए हैं इसकी क्या करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मान हम जो है ऐसी वेवलेंथ पर ज्ञात करेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स तो लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा लेकिन मेटल और लिगेंड क्या करेंगे नहीं करेंगे जो कॉम्प्लेक्स है वो ही लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा ठीक है अब प्रत्येक सॉल्यूशन के क्या करेंगे हम लिगेंड की जो मोल फ्रैक्शन है तथा ऑप्टिकल डेंसिटी लीगन का जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू सी एल अपॉन सी और ऑप्टिकल डेंसिटी के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक प्रकार का कर्व प्राप्त होगा पैराबोलिक कर्व प्राप्त होगा इसको हम इस ये देखें तो ये हमें पैराबोलिक कर्व मिल रहा है इसमें अब ये हमने कितना जो कर्व किसके बीच में है जो ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर् एब्जॉर्ब एब्जॉर्बेंस और जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ लीगन के बीच में पैराबोलिक कर्व मिल रहा है अब इस पैराबोलिक बोले कर्व में हम देखें तो हम जब इस कर्व जो मिल रहा है इसके वह बिंदु जिसमें वक्र की जो जो कर्व की जो रेखाएं हैं आपस में एक बिंदु पर जो काटेंगी ये क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्बर्स ये अपन इस डायग्राम में हम देखें तो वह बिंदु जिसमें कर्व की रेखाएं आपस में एक बिंदु पर क्या करेंगी काटेंगी तो क्रॉस करेंगी तो वो क्या क्या लाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ठीक है और जिस पर जो है मोल फ्रैक्शन हम क्या निकाल लेंगे सी एल अपॉन एल ठीक है तो यदि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला जो है एम एल एन है तब क्या होगा एन इजिक्वल्स टू सी एल अपॉन सी एम ये इक्वेशन नंबर टू हो गई अब इक्वेशन नंबर वन जो क्या थी सी एल प्लस सी एम इज इक्व टू सी इसमें दोनों तरफ हम सी का भाग दें तो क्या रह जाएगा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और लीगेंड का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा सी एल अपॉन सी ठीक है तो अब इक्वेशन जो तीन और चार आई हैं इसमें मोल फ्रैक्शन प्लस सी एम अपॉन सी सी एम इज टोटल मेटल कंसनट्रेशन और सी इज़ टोटल कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट इक्वल्स टू वन और क्या हो जाएगा सी एम अपॉन सी इज इक्वल टू वन माइनस एम एफ वन माइनस एम एफ इज वॉट मोल फ्रैक्शन तो ठीक है इस इक्वेशन फोर व फाइव से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी जो है मोल फ्रैक्शन जो होगा हमें प्राप्त होगा सी एल अपऑन सी एम इज इक्व टू मोल फ्रैक्शन अपॉन वन माइनस मोल फ्रैक्शन तो इक्वेशन टू व इक्वेशन नंबर सिक्स से अपन देखें तो हमें एन इज इक्व टू मोल फ्रैक्शन अपऑन वन माइनस मोल फ्रैक्शन अब ये जो एन के मान से एन की जो वैल्यू है वो हमें क्या कर क्या इससे हम क्या ज्ञात करेंगे कॉम्प्लेक्स के संगठन को ज्ञात किया जा सकता है कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके हम क्या कर सकते हैं कि उसके संगठन को इजीली अपन उसको क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं अब इसमें जो अपन ने बताई है कि यदि कॉम्प्लेक्स uh, का जो फॉर्मूला एम एल एन है तो एन की जो वैल्यू है एन की जो वैल्यू है वो हम किस फॉर्मूले से याद करेंगे एन इजिकल्स टू मोल फ्रैक्शन अपॉन वन माइनस मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन क्या है कंसनट्रेशन ऑफ सी एल अपॉन सी ठीक है इससे हम इजो इस जो वैल्यू हम इसको रख देंगे कैलकुलेट करके तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी जो जो भी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म जो भी आ, मतलब कॉम्प्लेक्स का जो जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन उसमें एन की वैल्यू हम ईजिली हम याद कर सकते हैं तो इस प्रकार जॉब मेथड के द्वारा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अब इसकी क्या है? कुछ लिमिटेशंस हैं इस विधि में क्या होता है कि हम केवल जो है उस विधि को ज्ञात कर सकते हैं इस विधि के द्वारा हम केवल उसी मेथड को ज्ञात कर रहे हैं जब प्रायोगिक परिस्थिति में कॉम्प्लेक्स बन रहा हो और यह विधि तभी उपयुक्त है जब मेटल और लिकेंड के जो केवल एक ही प्रकार का कॉम्प्लेक्स बन रहा हो और दूसरा मेटल और लीगेंड के वॉल्यूम में भी कोई परिवर्तित परिवर्तन नहीं हो तो ये कुछ लिमिटेशन्स हैं इस मेथड की हालांकि ये बहुत अच्छी मेथड है फॉर्मूला ऑफ जो है कॉम्प्लेक्स को ज्ञात करने की स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक मैथ स्पेक्ट्रो मैथड पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम बेरम्स मेथड के द्वारा इसको दूर करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स का जो है स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को ज्ञात करने की कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि स्थायी स्थिरांक को ज्ञात करने की जो विधि है वो है स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक मेथड जो कि हम इसको क्या करें हैं जॉब्स मेथड के द्वारा हम इसको ज्ञात ईजिली कर सकते हैं थैंक यू